हेलो गाइस, सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस मेरे न्यूली वेडिंग पिक्स है, कुछ एंजॉय कीजिए। और आपकी कि मैंने करवा चौथ की क्या क्या शॉपिंग की है और देख लगा रही है। देखो बाहर गली में। सो गाइस यहाँ मैंने कढ़ाई के दोनों कान पकड़ के रख दी है गैस पे और उसमें डाल दी सूजी और यहाँ मैं आती हूँ सर में और ये हो रहा है कन्या पूजन। सो गाइस यहाँ मैं आज महानवमी और देखो मेरा कैसा डोरी मोरी 11 अक्टूबर का दिन है और 4:50 हो रहा है। देखा सब मेरी एक फ्लोर की झाड़ू लग चुकी है। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपका मुँह कैसा बनता है जब आप सो गए। ऊपर जाऊँगी थोड़ी देर में, 5 मिनट में ऊपर की झाड़ू लगाऊंगा उसके बाद पोछा टाइम हो रहा है। और प्लीज की वजह से नहा दो के सब लोग धो के फिर करती हूँ अपने खाने पीने के पूजन का जो खाना होता है हल्का पूरी सब्जी उसकी तैयारी। तो आप लोग प्लीज ब्लॉग को देखना। मैं थक गई हूँ यार, कल मैं मार्केट गई थी इन लोग मार्केट में, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, उसका ब्लॉग भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। दिखाऊंगी कि मैंने करवा चौथ की क्या क्या शॉपिंग की है और अभी आप ये देख लो, दिखाती हूँ बैक कैमरा देख लो यार। ये देखो बाहर गली में, दूर दूर तक तो कोई भी नहीं है, सनराइज नहीं हुआ है अभी। ये आसमान देखो, एक आदमी है सुबह इस टाइम आ जाता है उनकी गली का। देखो कोई दिख रहा है दूर दूर तक? ये देखो इसका ही आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी सुबह के 5 ही बजे है और जो हमारी गाय बंदी हुई है। अब मैं जाऊंगी ऊपर और ऊपर के झाड़ू वगैरह लगाऊंगी पोछा वोछा, उसके बाद कब पूरा करके आपको दिखाती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ रसोई में आ चुकी हूँ और सुबह के 6:15 हो गए हैं और यहाँ मैंने हलवा चढ़ा दिया है और साइड में मैंने कुकर चढ़ा दिया है। इसमें मैंने सफ़ेद वाले छोले रखे हैं, ये चाशनी बनी रखी है हलवे की, और काले चने भिगो रखे हैं। नीचे ये जार में मैंने मसाला पीस लिया है मिक्सी में, टमाटर और हरी मिर्च का। ये काले चने हलवे के साथ उबाल के और उसमें दूंगी मैं कन्याओं को। और यहाँ हलवा बन रहा है, हलवे की तैयारी चल रही है। मैंने सूजी को रोस्ट करना स्टार्ट कर दी और यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ। चाशनी मैंने ऑलरेडी तैयार कर ही ली है क्योंकि बाद में अलग से चीनी डालते हैं ना तो मोटी मोटी रह जाती है, अच्छे से अच्छी नहीं बनती। मतलब हलवा तो अच्छे से घुल जाए चाशनी तो बहुत बढ़िया हलवा बनता है। आप भी एक बार ट्राई करना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप किस तरीके से हलवा बनाते हो। यहाँ मैंने बारीक सूजी और मोटी सूजी दोनों तरह की सूजी का इस्तेमाल किया है। और ये देखो गाइस मैं आ चुकी हूँ रसोई में और मैंने आपको लाइक करने के लिए बोला है। बस नीचे एक प्लाजो ग्रीन कलर का ऊपर टी शर्ट डाली है ताकि कम्फर्ट जोन मेरा बना रहे। और यहाँ पे मैं कन्याओं को जो खाना खिला रही हूँ, बीच का मैं शूट नहीं कर पाई, सभी को मैं नारियल बांट रही हूँ। पूछ रही थी, बातें कर रही थी कि किसी का रह तो नहीं गया, कोई नारियल के बिना तो नहीं रह गया। और इसके बाद मैंने पतासे बांटे, मैं पतासे पूछ रही थी। ये सामने पिंक कलर में और जो ग्रे कलर में बैठी है दोनों मेरी बेटियाँ हैं, एक का नाम नियति पंचाल है पिंक वाली। ये मैं पतासे बांट रही हूँ सारी कन्याओं को। और मैंने 12 कन्याएं जिमाई थी और एक लड़का था लांगुर जिसे बोलते हैं। और यहाँ मैं टीका लगा रही हूँ सभी को और इस तरह से मैंने कन्या पूजन किया। मैंने ग्रीन कलर का प्लाजो पहना, साथ में एक टी शर्ट है। सारे बच्चे यहाँ बड़े मस्ती कर रहे थे, बड़े मजाक कर रहे थे कि देखो आईब्रो के ऊपर लग गया है सबका टीका, किसी का टेढ़ा किसी का लंबा छोटा, इसी तरीके का टीका लगा। सारे बच्चे जो है बड़े इंजॉय कर रहे थे और मैंने टोटल 12 बच्चे जो है कन्या पूजन में आए मेरे घर पे और बहुत अच्छे से कन्या पूजन में संपन्न हुआ। नवरात्रों से पूरे 9 व्रत मैंने किए थे। और यहाँ देखो गाइस यहाँ मैं खुद खाना खाने बैठ गई हूँ, ठीक 10:30 बज चुके हैं। पूरी थी सफ़ेद वाले छोले, देख लीजिए आप भी आ जाइए खाने के लिए। और हलवा बनाया था, ये देखो ये मेरे छोले इतने यूज हो गए, थोड़े बचे थे और ये हलवा बचा है थोड़ा। नीचे मम्मी पापा और सबको दे दूँगी मैं। और कुछ पूरियाँ बनाई है, पहले खाना खाऊँगी उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।